हैं, लेकिन तराजू का वही पलड़ा झुका होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, इसलिए आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। चार मिसरे पढ़ता हूँ। दायरे में सिमट के आया, मुझे लगना चाहिए कि वही नांदेड़ है जिसे मैं छोड़ के गया था, वही नांदेड़ मुझे दिखना चाहिए पीछे तक। कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है, हौसला देने का भी नाम है। अपने जो कैंडिडेट है इन्हें हौसला दीजिए, इनका समर्थन करिए। एक एक आदमी ऐसे इस इलेक्शन को लड़े जैसे खुद चुनाव में खड़ा हो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार चूक गए तो जरूरी नहीं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इलेक्शन हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। संविधान बदलना चाहते हैं वो, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, मुद्दे हटाएंगे। मैं तो पार्लियामेंट में हूं, वहां भी सवाल पूछता रहता हूं जब मेरे सामने पड़ते हैं। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं पूरे मुल्क में कि कहां सोया है चौकीदार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच्चे मिसरे हैं ना? अगर सच्चे मिसरे हैं तो पहुंचाओ इन्हें दिल्ली तक। तो फिर से पढ़ता हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, और अगली जो लाइन है ना उसमें एक नाम आएगा, वो नाम अगर दिल को मजा दे तो फिर उसी तरह से सुन के बताइएगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। मोदी जी भाषणों में बड़ी बड़ी बात करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, जनता को झूठे वादे करेंगे। मैं एक बार भाजपा का एक नेता एक एयरपोर्ट के बाहर पहुंचा, एक भिखारी दौड़ता हुआ उसके पास आया, बोला साहब चार दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो। तो 500 की नोट उसने जेब से निकाला और कहा तुम्हारे पास फुटकर हो तो मुझे 400 वापस कर दो, ये रख लो। तो भिखारी ने कहा हाँ मेरे पास चेंज है, ले लीजिए। जैसे उसने 400 निकाले तो उसने भिखारी से कहा कि अच्छा तुम्हारे पास तो 400 है, जाओ इसी से खा लेना। उसको वापस पलट के रख लिया। ये काम करता है भाजपा के नेता, देना कुछ नहीं है। अगर मौका मिले तो आपकी जेब में जो रखा है उसे भी वापस लूट ले। पिछले 10 साल में इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मणिपुर में बेटियों की जिस तरह से परेड कराई गई आपको याद है, नरेंद्र मोदी जी का वो नारा याद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन उस नारे की सच्चाई क्या थी? हाथरस में जब दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसकी मौत हुई तो रात के 2 बजे उसकी लाश को जला दिया गया बिना परिवार वालों की मर्जी के। बिल्कुल बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़
छोड़ करके माला पहनाई गई। यह है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्नाव में एक बिटिया के साथ बलात्कार करने वाला इनका भाजपा का विधायक जेल में है। सोनभद्र में इनका एक विधायक बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा काट रहा है। और तो और ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब प्रधानमंत्री की चौखट पर अपना मेडल लेकर के गई और ये कहा कि हमारे साथ खड़े होइए, हम बेटियां इंसाफ मांगती हैं, तो जंतर मंतर पर उन्हीं बेटियों को पुलिस ने घसीटा है। उसके विजुअल हमारी आंखों के सामने। मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पकड़िए, सियासी तौर पर खुद को बेदार करिए। कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी सरकार आते ही हर गरीब औरत को, हर गरीब महिला को 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ये नहीं कह रही हो महिला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बौद्ध हो, कोई मतलब नहीं। वो महिला भारत की नागरिक है और गरीब है तो हर साल उसके अकाउंट में 1,00,000 रुपए डायरेक्ट दिए जाएंगे। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। तो उसका फायदा किसे मिलेगा? हमारी आपकी भी बहन बेटियों को मिलेगा जो गरीब है। यहां नई नस्लें खड़ी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही 30,00,000 नौकरियां तुरंत, और 25 साल के वो नौजवान जो डिप्लोमा लेकर के घूम रहे हैं उनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलने तक 1,00,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में। मुद्दों पे लड़ो इस चुनाव को। भाजपा तो चाहती है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान नहीं, हम मुद्दों पर लड़ेंगे इस चुनाव को। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैंने कहा ना आपकी दुआओं ने मुझे महज 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया। मैंने वहां बैठ के देखा है, ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान की सियासत एक अलग करवट ले रही है मेरे अपनों। उस शेख के साथ, उस बेदारी के साथ, उस करवट के साथ बदलना पड़ेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज मुझमें जो भी ताकत है, मुझमें जो भी हुनर है, और जिसकी बदौलत आपने अपने मुसल्लों पे बैठ करके कभी किसी लम्हे में मेरे लिए शायद एक लम्हा दुआ की होगी, उसका सदका है कि जहां पहुंच करके लोग अपनी सियासत खत्म करते हैं, मैंने वहां से अपनी सियासत की शुरुआत की है। लोगों का आखिरी सपना होता है कि राज्यसभा में पहुंच जाए। ये मेरे सपने की शुरुआत थी कि मैं सीधे राज्यसभा में पहुंचा हूं। ये सिर्फ आपकी दुआओं की बदौलत हुआ है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे मुल्क में जो माहौल बनाया गया है, बहुत समझदारी से आपको काम लेना है। आपसे इतना कहता हूं कि आप बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन छोटी सी शिकायत भी। आप जब सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो 2 मिनट में महाराष्ट्र की सरकार गिराते हैं और 2 मिनट में दिल्ली की। शाम को बिरयानी खा रहे होते हैं तो चीफ मिनिस्टर बदलते हैं, फिर जब तहरी खा रहे होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बदल देते हैं। तहरी ना, हाँ भाई मैंने खाया है भाई। मैं कल कोशिश करूंगा कि किसी दुकान पे जाकर के खुद से खाऊं। एक बात की माफी मांगता हूँ यार आपसे, मेरे दिल की खली से मैं कह देता हूँ, 2 साल तकरीबन होने को आगे, 1.5 साल से ज्यादा हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद। कई बार सोचा कि आपके बीच में आऊं, और ये इलाका तो वो इलाका है जहां कुछ करना चाहता हूं। 2017 में आया था तो बड़े ख्वाब थे, वादा किया था कि कुछ करूंगा। अब तो अल्लाह ने आपकी दुआ से मेरी कलम में ताकत भी दे दी है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना वादा करता हूं कि अब तो आपकी दुआ से मेरे पास फंड भी है, बजट भी है सरकार का दिया हुआ। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए, इंडिया अलायंस की सरकार बनाइए। मैं वादा करता हूं और इस वादे को निभाऊंगा कि नांदेड़ के लिए अलग से मैं ऐसा काम करूंगा जैसे मैं अपने घर के लिए काम करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन उसके लिए मेरी जबान का और मेरे आने का भरम रखिएगा। आपकी दिक्कत क्या है कि चाय की दुकान पर सरकार बदली, बिरयानी खाते हुए मंत्री बदला, चीफ मिनिस्टर बदला, प्राइम मिनिस्टर बदला, लेकिन जिस दिन वोट देना होता है ना उस दिन आपको लगता है कि यार बसंतराव जी जीत तो रही है, कौन जाकर के लाइन में लगे, कौन धूप में लगे, कौन परेशान हो, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, ये सोचते हैं बहुत सारे बुजुर्ग नौजवान।
नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। मेरी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में एक नेता है जिनका नाम है सीपी जोशी, गूगल कर लेना। चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में थे, इलेक्शन में एक वोट से एमएलए का इलेक्शन हार गए, ना एमएलए बन पाए ना चीफ मिनिस्टर बन पाए। इसलिए अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। तुम्हारे हाथों में जो ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है एक वोट की, ये उसी तरह है जिस तरह अबाबीलों के पंजों में वो कंकर था, एक वो भी जुल्म के खिलाफ उठा था चला था। आप भी जुल्म के खिलाफ निकलो और अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। लोग खरीदना चाहेंगे, डराना चाहेंगे, धमकाना चाहेंगे, लेकिन जब धमकाना चाहें, डराना चाहें, बांटना चाहें, तो उनसे इतना ही कहना कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जब दो मिसरे हैं यहां से वहां तक, कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा उन दो मिसरों पे कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा नांदेड़ वालों, आपकी धड़कनों की तर्जमानी है इन मिसरों में कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मेरे भाई, मैंने कहा ना ये चुनाव बहुत 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 अहम चुनाव, बहुत अहम चुनाव है। मैं अपना दामन फैला के आपसे कह रहा हूं कि इस इलेक्शन में कुछ नहीं सोचना है, कौन आया कौन गया किसने क्या कहा कोई परवाह मत करो। जमहूरियत में हर चीज का जवाब वोट से दिया जाता है, बोल कर नहीं दिया जाता, चीख चिल्ला के नहीं दिया जाता, वोट से दिया जाता है। तो अगर कभी कहीं आपके जज्बात को ठेस पहुंची है तो उसका जवाब वोट से दो, घरों से बाहर निकलो, जाओ ईवीएम की कतारों में खड़े हो और सोचो कि सरकार ने 10 साल में आपको महंगाई दी है, नोटबंदी दी है, भ्रष्टाचार दिया है, नफरत दी है। आप नारा लगाओ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। भारत का इमरान आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे कह रहा है। वक्त बहुत कम है, कोड ऑफ कंडक्ट है,
सात आठ मिनट और बाकी है, मैं इतनी देर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ घड़ी मेरे पास भी, मैं तो वक्त का बड़ा पाबंद हूँ, वक्त का बड़ा पाबंद हूँ। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना यह है चिरागों का सफर कितना है। हम जल रहे हैं फलस्तीन सुनना, यार मैं सोच रहा हूं ना, देखो वो नज्म जो है फलस्तीन की नज्म, एक वादा करता हूं, आप 26 तारीख को अपना एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को दो, मैं वादा करता हूं कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, आपकी दुआ रही तो दिल्ली की गद्दी पर हमारा चीफ प्राइम मिनिस्टर बैठेगा, और मैं इसी देगलूर नाका पे उस मोहब्बत का कर्ज चुकाने के लिए आऊंगा, और जितनी देर कहोगे उतनी देर शायरी सुनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मैं उसका सिर्फ एक बंद सुना देता हूं, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वो न सुनाने के लिए गलत तरह के माहौल की जरूरत है, यहाँ सारे साथी खड़े हो गए हैं चुप, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अम्बानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। और आखिर में आपको एक नई नज़्म सुना करके आपसे विदा लूंगा, जो 5 मिनट बाकी है उसमें एक नई नज़्म सुनाता हूँ, कि जख्म पर जख्म था के निकले हैं, जख्म पर जख्म था के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। नांदेड़ वालों, 26 तारीख को घर से बाहर निकलो, इस देश की कौमी यकजहती के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, महंगाई के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, जुल्म और सितम के खिलाफ, सरकारी जुल्म के खिलाफ वोट देने के लिए निकलोगे ना, निकलोगे ना, मेरे आने को मायूस तो नहीं करोगे, मुझे मायूस तो नहीं करोगे, अपना एक एक वोट लेकर के कांग्रेस पार्टी के लिए बूथ पे जाओगे ना, अगर जाओगे तो उठाओ अपना एक एक हाथ मेरे समर्थन में, राहुल गांधी के समर्थन में, वसुंधरा चौहान जी के समर्थन में, आपका उठा हुआ एक एक हाथ इस बात की गवाही है कि ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतने जाए। हाथ कितना जल्दी नीचे क्यों कर लिया, थक गए क्या, उठाओ मेरी तरह इस हाथ को, पीछे पार्टी ने कुर्सी उठा रखी है, इस बार भाजप की कुर्सी ऐसे ही उठा देनी है। आने वाले दिनों में मुंबई महाराष्ट्र की सरकार भी बदल दी जाएगी, ये वादा करते हैं, क्योंकि जमहूरियत को लूट करके यहाँ पर सरकार बनाई गई है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नांदेड़ वालों, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, चुनाव खत्म होते ही फिर से आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि आज मजबूरी ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट है, वक्त नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को, इंशाल्लाह
फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि वक्त लगभग पूरा हो चुका है, 2 मिनट बाकी है। आखिर में बस इतना कि इस इलेक्शन में किसी झांसे में मत आना। सिर्फ एक चीज याद रखना कि कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। किसी साथी ने नीचे से कहा कि इनके बारे में उनके बारे में, किसी के बारे में कुछ ना बोलना ही सबसे बड़ा सबसे बड़ी बात होती है। बहुत शुक्रिया नांदेड़ वालों, आपकी मोहब्बत को सलाम, इंशाल्लाह।